हेलो व्यूअर्स, तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट? और यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रल हमें दिया हुआ है वो है -π to π, और जो इंटीग्रेंड है वो है साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले इस इंटीग्रल को हम मान लेते हैं आई, राइट? ओके, तो इस इंटीग्रल को हम डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी मदद से सॉल्व करेंगे, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम ये जो फंक्शन हमें यहाँ दिया हुआ है इसे मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, राइट? तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स, राइट? ओके, तो डेफिनेट इंटीग्रल की जिस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो प्रॉपर्टी है इवन फंक्शंस के लिए, राइट? तो अगर हमारे पास मान लीजिए इंटीग्रल है -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट? तो ये इंटीग्रल जो होगा इस इंटीग्रल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रोवाइडेड कि जो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है दिस फंक्शन शुड बी एन इवन फंक्शन, राइट? तो अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन होता है तो इंटीग्रल -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होगा वो 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, राइट? तो अब जो इवन फंक्शन होता है वो उसकी डेफिनेशन को अब हम देखते हैं, राइट? तो अगर हम किसी फंक्शन को फंक्शन में एक्स की जगह अगर माइनस एक्स से हम रिप्लेस करें, राइट? अगर एक्स को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल आ जाता है तो तब हम ये कहते हैं कि ये फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, राइट? तो यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो है साइन मॉड एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स, राइट? तो अब हम इस फंक्शन में यहाँ पर एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं, राइट? और देखते हैं कि क्या ये फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वो इस प्रॉपर्टी को ओबे करता है, राइट? तो एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा साइन ऑफ मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉड ऑफ माइनस एक्स, राइट? और जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है उसकी डेफिनेशन से मॉड ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो प्लस एक्स हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स, राइट? तो अब हमारे पास यहाँ पर ओरिजिनल फंक्शन हमें मिल गया है, तो ये फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, राइट? सो वी हैव शोन दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देयरफोर दिस गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, राइट? तो अगर ये इवन फंक्शन है तो अब हम इस इंटीग्रल पर इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, राइट? तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे तो ये जो इंटीग्रल होगा इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π, राइट? जो ए है यहाँ पर, ए जो होगा वो -π हो जाएगा, सॉरी, इट इज ए इज इक्वल टू पाई, राइट? तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π, और इस फंक्शन को अब हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स, राइट? तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स ही यहाँ पर आ जाएगा, राइट? ओके, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ की जो लिमिट्स हैं वो 0 से π तक वेरी करती हैं, राइट? इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to π, और जब एक्स जो होगा वो 0 to π के में लाई करेगा तो ये जो फंक्शन होगा, राइट? इस फंक्शन में जो मॉड एक्स है, जो मॉड एक्स है इट इज ऑलवेज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स, राइट? सो मॉड एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स और पॉजिटिव एक्स वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0 to π, राइट? तो
तो यहाँ पर हम मॉड एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं आप एक्स से, राइट, प्लस एक्स से। तो अब ये इंटीग्रल बन जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई, एंड दिस फंक्शन बिकम्स साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, राइट। सो व्यूअर्स, हमने क्या किया यहाँ पर, इसको ये जो इंटीग्रेंड है हमारे पास यहाँ पर, इसे हमने एफ ऑफ एक्स ले लिया, और उसके बाद हमने एफ ऑफ एक्स को इवन फंक्शन प्रूफ किया यहाँ पर, और इवन फंक्शन प्रूफ करने के बाद हमने डेफिनेट इंटीग्रल की इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, राइट। ओके, तो अब हमारे पास जो ये इंटीग्रल था, वो इंटीग्रल जो है इस इंटीग्रल में रिड्यूस हो गया है, राइट। तो अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा साइन का जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा साइन एक्स, राइट, और लिमिट्स आ जाएंगी 0 टू पाई, राइट। तो अब हम यहाँ पर जो लिमिट्स हैं उन्हें यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और डिफरेंस ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2, और सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे एक्स इक्वल टू पाई, तो हमें मिल जाएगा कॉस ऑफ पाई प्लस साइन ऑफ पाई माइनस माइनस कॉस ऑफ 0 प्लस साइन ऑफ 0, राइट। तो कॉस ऑफ पाई की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी माइनस 1, और साइन पाई की वैल्यू हो जाएगी 0, राइट। तो हमें मिल जाएगा ये एक्सप्रेशन, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, बिकॉज कॉस ऑफ पाई इज माइनस 1, सो माइनस माइनस प्लस, और साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस कॉस 0, कॉस 0 इज इक्वल टू 1 एंड साइन 0 इज इक्वल टू 0, राइट। सो दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज 0, एंड नाउ वी कैन सिंप्लीफाई इट, दिस इज 2 टाइम्स, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 0 इज 1, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज प्लस 1, सो दिस इज 2 टाइम्स 2, दैट इज 4, राइट। सो द वैल्यू ऑफ दिस गिवन इंटीग्रल आई विच इज फ्रॉम माइनस पाई टू पाई साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू 4, राइट। तो इस तरीके से हम इस तरीके के जो इंटीग्रल्स हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं।